ये है दुनिया की सबसे तीखी चिप किंडर प्यूनो चॉकलेट। सो यू व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं बियर्ड एंड अमेजिंग फूड प्रोडक्ट्स चैलेंज। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बियर्ड आइटम है जो कि आप देख सकते हो, हबाब बबाब बबल गम, काफी अजीब नाम है इसका। चलो इसको खोल के देखते हैं। ये तो टूथपेस्ट जैसी लग रही है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट खत्म हो गई है। नई टूथपेस्ट, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये दांतों में चिपक के रही है। निकल जा, निकल ही नहीं रही। 3 days later। ये तो बबल गम है ही नहीं। What? बस टॉफी की तरह, जैसे वो होते हैं मेल्ट होने वाली टॉफी, बबल तो इससे नहीं बन सकता। Nope. काफी अच्छी आइटम नहीं थी। चलो इसे फेंक देते हैं और चलते हैं अगली आइटम की तरफ। तो अगली आइटम है हमारे पास किंडर प्यूनो चॉकलेट। पता नहीं मुझे इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आपने किंडर जॉय खाया होगा तो आपको पता होगा ये किंडर जॉय की ब्रांड की चॉकलेट है। तो फटाफट से इसे टेस्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें 2 चॉकलेट्स मिलती हैं। नहीं, मतलब ठीक है, नो डाउट टेस्ट अच्छा, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। जो कि आप 120 रुपए खर्च के एक्सपेक्ट करते हो वो आपको इससे नहीं मिलता। कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही टेस्ट है, नॉर्मल मंचिया पर जैसी चॉकलेट में मिल जाता है। तो आज का अभी तक चैलेंज अच्छा जा रहा है, अगला प्रोडक्ट देखते हैं। अब बारी है हमारी नेक्स्ट आइटम की, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और बहुत स्पाइसी है, जिसका नाम है डोरिटो सिजलिंग हॉट नाचोस। तो देखने से तो ये पता ही लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होंगे। इसे खोल के टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये तो जोलो चिप जैसा लग रहा है, जैसे जोलो चिप होते हैं। तो गाइस, जिसका नाम है जोलो चिप। तो अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। पानी दो, पानी। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं कैसा है। हाँ, मिर्च है इसमें, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं कि हम कहें कि जितना इन्होंने दिखाया उतनी मिर्च नहीं है इसमें। कोई भी इसे आराम से खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में, ना गले में कुछ लग रहा है ना कुछ, लेकिन काफी टेस्टी है। यहाँ से चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वियर्ड आइटम की तरफ। तो गाइस, हमारी अगली वियर्ड आइटम है ब्लूबेरी चीज केक। जी हाँ, अगर आपको ये वियर्ड लग रही है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो। अभी इससे भी ऐसी वियर्ड चीज आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी चीज होती है। ब्लूबेरी चीज केक है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसे टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा ब्लूबेरी का फ्लेवर बाहर आ रहा है। सच में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका फ्लेवर सच्ची में चीज केक जैसा, और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि आप एक टॉफी खा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप सच्ची में एक ब्लूबेरी का चीज केक खा रहे हो। तो ये इस पूरे वियर्ड प्रोडक्ट में सबसे सस्ती चीज है, जो बस 5 रुपए की है, लेकिन अभी तक मुझे यही सबसे अच्छी लगी। तो गाइस, हमारी अगली आइटम है जो शायद आपने देखी होगी, सेंटर फ्रूट की टेनिस बॉल शेप्ड बबल गम है शायद। चलो फटाफट से इसे खोल के देख सकते हैं। पूरी टेनिस बॉल की शेप है और इस पर लिखा है कि इसका फ्लेवर पाइनएप्पल है। ऐसा होता है इसका फ्लेवर, देखना। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जैसे चिंगम होती है उसी तरह। और ये टेनिस बॉल शेप इसे एक वियर्ड और अमेजिंग लुक देती है, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। दोस्तों, अगली आइटम है हमारी बिग बबूल बबल गम, जिसका आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैंने यूट्यूब पे इसके काफी वीडियोस देखे हैं जिसमें वो दिखा, नॉर्मल साइज से काफी बड़ा बबल फूल सकता है। तो अब हम इसे खा के बबल फुलाने की कोशिश करते हैं। गाइस, जैसे कि आपने अभी देखा, इससे काफी बड़ा बबल बना, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, इतना नॉर्मल से भी बन ही जाता है। पर इसकी खास बात मुझे ये लगी, इसका फ्लेवर काफी अच्छा है, नॉर्मल चिंगम से काफी ज्यादा बढ़िया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वियर्ड फूड आइटम की तरफ। नेक्स्ट वियर्ड फूड आइटम है जो आप सबने खाई होगी, चोको पाई। हाँ, लेकिन ये चोको पाई है ऑरेंज, इसमें ऑरेंज का फ्लेवर फील्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है रियल ऑरेंज विद रिच मार्शमेलो। तो चलो फटाफट से ट्राई करते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे ऑरेंज की डिजाइन भी दिया हुआ है ऑरेंज फ्लेवर से।
खा के देखते हैं कैसे। और उसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, बिल्कुल ही बकवास लगा मुझे इसका फ्लेवर। तो गाइस अब भर गए उस आइटम के जिसकी आप सभी शुरू से वेट कर रहे थे, वनीला को। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लेकिन फटाफट से इस वनीला को टेस्ट करते हैं। मैंने सच्ची मैंने आज तक इसे टेस्ट नहीं किया और मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगी तो मैं वीडियो में ले आया। तो फटाफट से खोल के टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल कोक जैसी लग रही है, आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल कोक जैसा इसका कलर है। अब हम फटाफट से इसे टेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पूरा कोक का फ्लेवर आता है, वनीला का बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जब आप इसे पूरा पीने लगते हैं तब एंड में थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर आता है और इसमें से वनीला एसेंस की स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सिप लोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये वनीला कोक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। तो 110 रुपए के इस कैन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, जैसे कि आपने देखा कोक की तरह ही है, लेकिन बहुत ही कम टेस्ट आता है वनीला का जैसे कि मैंने बताया। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको लेना चाहिए कोका कोला वनीला वाला कैन, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है। और वैसे इससे अच्छी सिंपल कोक का ही टेस्ट है, क्योंकि एंड में जब वनीला का टेस्ट आता है तो कोक के टेस्ट से मिक्स होके इतना अच्छा फील नहीं होता। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।